Hey guys, what's up? So, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से रेडी होके कहाँ जा रही हूँ या फिर ऐसा क्या करने वाली हूँ. तो इस तरीके से मैं रेडी होके करने वाली हूँ ऑफिस वर्क ऑनलाइन. नहीं, एक्चुअली क्या है कि मुझे मन कर रहा था बहुत टाइम से कि मैं इस तरीके से रेडी हूँ, और जैसे ही मैं रेडी हुई तो मुझे मन किया यार ऑफिस चली जाऊँ क्या. आई रियली मिस दूस डेज कि डेली उठ के ऐसे तैयार होके ऑफिस जाते थे हम. तो अभी तो क्या है कि भाई घर के कपड़े पहनो, छोटा मोटा ब्लॉग व्लॉग शूट कर लो, उसके बाद हो गया बस. तो बैठ के बातें करते हैं. ओके, तो अभी लॉकडाउन का दुखड़ा न रोते हुए हम आगे बढ़ते हैं. क्या था कि आज मॉर्निंग में मैं सो गई थी कि चलो आज कोई काम नहीं है, नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, और सैटरडे है तो ऑफिस वर्क तो है ही नहीं. खैर, तो सो गई थी लाइक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. फिर मुझे याद आया कि कल काजल ने मुझे चैलेंज कर दिया था. मैंने उसे कहा था कि मैं पैनकेक्स ट्राई करूंगी, अब नेक्स्ट मेरा होगा कि मैं पैनकेक्स ट्राई करूंगी. देन शी वॉज टेलिंग कि नो नहीं, आप नहीं कर पाएंगी चैलेंज. सो अभी वही चैटिंग में करते करते आजकल क्या करोगे आप, वही चैलेंज एक्सेप्टेड. मैंने उसको बोल दिया. अब चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और मार्केट से अवेलेबल भी नहीं है, सो दैट कि मैं मार्केट से ला के उसको दिखा दूँ, देखो ये मैंने बनाया. नहीं, ऐसा है नहीं, तो मुझे खुद को ही बनाना पड़ेगा. और वैसे अच्छा है ना, पैनकेक ट्राई भी हो जाएंगे और अच्छे बने तो हेल्दी होते हैं. और वैसे जनरली लोग ये बच्चों के लिए बनाते हैं, बट मेरे घर का बच्चा तो मैं खुद ही हूँ, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ. लेट्स ट्राई द पैनकेक्स. ओके, नाउ अब हम पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए ये होल व्हीट फ्लोर और वन एग, थोड़ी सी शुगर, मिल्क एंड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वेनिला एसेंस. वेनिला एसेंस यार मैंने किसी में निकाला नहीं है, माइंड मत करना. ओके, तो अभी क्या है कि ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटी के लिए बना रही हूँ. लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए मैं बना लूँ और उसके बाद क्या ना मैं अच्छा ना बने इनकेस, तो खाना तो मुझे ही पड़ेगा. तो मैं सेफर साइड वन एग का यहाँ बना रही हूँ, बट जो मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी है वहाँ पे जनरली टू एग का बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे वन एग और व्हीट फ्लोर भी मैंने हाफ कर दिया है. शुगर का आई डोंट नो कितनी होनी चाहिए, सो मैंने ऐसे ही अपने अंदाज से ले लिया. तो देखते हैं कैसा बनता है. सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये आटा, देन इसमें जाएगा ये शुगर, देन ये सॉल्ट डाल देते हैं और इसको अच्छे से, और फिर इसको अच्छे से ऐसे मिक्स और फिर इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये एग में से एग योक एंड एग वाइट सेपरेट करना है और सेपरेट सेपरेट उसको यूज करना है. तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्राई करते हैं. अब हम इसमें ये मिल्क भी डाल लेंगे, और एग तो हमारा पहले ही जा चुका है, और इसे हम इस तरीके से बीट करने की कोशिश करते हैं. इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए. इसको हम बहुत ही अच्छे से ऐसे बीट कर लेंगे सो दैट कि इसके जो लम्स हैं वो निकल जाए और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगी. और ये बन भी रहा है. अब क्योंकि इसमें एग डला है तो स्मेल आने का थोड़ा सा डर रहता है, तो इसमें हम डालेंगे ये वेनिला एसेंस और फिर इसको दोबारा से बीट करेंगे थोड़ा सा. अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, ये मेरे ख्याल से वेनिला एसेंस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, तभी इसे लोग कटोरी में निकालते हैं. मैंने निकाला नहीं था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा और क्या, और मे बी इसका कोई साइड इफेक्ट हो मुझे नहीं पता, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है मेरे से. ये बहुत ही फाइन टेस्ट बन गया है. अब आई वॉज थिंकिंग कि ये पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, बट ये बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया, आप देख सकते हैं ऐसे. इसको हम रख देते हैं साइड में. ओके, सो नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हमने ये जो एग वाइट अलग किया था हमें इसे भी बीट करना है, और इसकी ये क्रीम टाइप का, फोम टाइप का बन जाएगा, तो वो बनाना है. फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, बट या वीडियोज रखे हैं तो देन डेफिनेटली हो रहा होगा. सो लेट्स गेट ट्राई. ये रहा एग वाइट एंड हम इसे बीट करने की कोशिश करेंगे.
ये देखिए बहुत ही अच्छी सी फोम बन गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने देखा था, ये वैसी ही फॉर्म बन गई। और ये 1x की है, लाइक सीरियसली आई एम लविंग इट। आई एम डैम श्योर कि मेरा ये वीडियो जितने भी लोग जो कि मुझे जानते हैं अच्छे से वो देखेंगे, वो यही कहेंगे कि ये मैडम एग की स्मेल से तो बड़ा दूर भागती थी। और ऑल दो मैं एग खाती हूँ, बहुत ही अच्छे से खाती हूँ, बट मैं जैसे ऑमलेट एंड लाइक ये सब नहीं खाती हूँ जिसमें कच्चा एग इस तरीके से जा रहा है। और हमेशा मेरे नाटक रहते थे पीजी में भी और सब जगह कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ बॉयल एग ही खाऊंगी, एग की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो आज एक्चुअली मैंने अपने दिल को बहुत पक्का किया है इसे बनाने के लिए, बिकॉज मैंने जब रेड फॉक्स में पैनकेक्स खाए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। फिर मैंने जब इसकी रेसिपी देखी मैंने कहा अरे यार इसमें तो इस तरीके से लाइक कच्चा अंडा डलता है और वो मैं कैसे खाऊंगी, मुझे स्मेल आएगी। सो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे, सब पता चला मुझे कि एरिलासेंस डालने पे इसकी स्मेल चली जाती है, बट हाँ ये बर्तनों में तो खैर स्मेल रह ही जाएगी, उसको मुझे अलग से क्लीन करना पड़ेगा। सो देखते हैं बनते हैं कैसे और फिर खाते हैं। नाउ वी नीड टू मिक्स अवर दिस क्रीम इन टू अवर दिस मिक्सचर। से थोड़ा सा अगेन बीट किया जा रहा है। सो एक बार इसको स्मेल कर लेते हैं, इसमें तो वैनिला एसेंस की खुशबू आ रही है तो आई थिंक ये खाया जा सकता है। और इसको तुरंत धोना पड़ेगा। सो अभी हमारा ये पैन गर्म हो चुका है, तवा है एक्चुअली, आप इसे पैन भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। आई होप सो ये अच्छा ही बने वरना मेरा चैलेंज का क्या होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा गीला हो गया है। हाँ ये डेफिनेटली गीला हो गया है। तो अभी आप लोगों को तो खैर एरोमा नहीं आ रही होगी, एरोमा क्या मतलब, लाइक जब कुछ पकता है तो प्यारी सी वो खुशबू आती है, बट क्रॉस द फिंगर्स बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है जैसे कुछ बेक होता है तो आती है। ऑल दो ये बेक नहीं हो रहा है, आटे की जैसे खुशबू होती है, देखते हैं। वाह यार नीचे से तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आ रहा है। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है यार। ये मैंने बना लिया, ये मजा आया। काजल को ना वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हैं, मजा आएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, अब अंदर से टेस्ट कैसा होगा दैट आई डोंट नो। अभी मैं इसको थोड़ा सा गार्निश वगैरह करके काजल को वीडियो कॉलिंग करके दिखाती हूँ। इसको गार्निश करने जा रही हूँ तो थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें ये हनी। ओके सो अभी मैं इसको बनाना से भी गार्निश कर दूंगी, तो ये हो जाएगा बनाना पैनकेक। ये इस तरीके से बनाना से मैं गार्निश कर रही हूँ इसको। दिस इज कॉल्ड बनाना। इसे खाने की कोशिश करते हैं, बट खाने से पहले सो गाइस ये हमारा बनाना पैनकेक रेडी है, बट खाने से पहले मैं इसे काजल को दिखाना चाहती हूँ तो मुझे वीडियो कॉलिंग करनी है। वीडियो कॉलिंग करके खा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा लगा। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मन भी देखो कितना बावला है, मन भी देखो कितना बावला है। नमकीन खाओ तो मीठे की तरफ दौड़ता है, मीठा खाओ तो अब नमकीन खाने का मन कर रहा है। क्या बनाया नमकीन, मतलब ऐसे लग रहा है थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाना चाहिए, मतलब अब कुछ डिफरेंट सा खाना चाहिए। पैनकेक खा के थोड़ा सा हैवी हैवी सा ऐसा नहीं लग रहा, लग रहा है यार नाजुक पानी रखा है, पिया जाए क्या।
टाइम कितना हो रहा है, 4 बज गए, नारियल पानी पीते हैं, फिर 5 बजे मैगी बना लेंगे, नमकीन हो जाएगा, और फिर 6 बजे चाय पी लेंगे, और 6 बजे चाय पीने के बाद फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, थोड़ा सा पॉप वगैरह लेंगे, फिर आएंगे ऊपर, सोच रहे हैं आज पालक पनीर बना लें, पालक आ गई है। ये मेन्यू बिल्कुल फिट बैठेगा मेरे लिए। ये है हमारा नारियल, और मैं जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है मैं उसको बता दूं कि बिग बास्केट से नारियल ना मंगाया जाए। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई थी कि ये इसमें होल पूरा नहीं करके देते, इस तरीके से छील के दे देते हैं। ये अभी मैंने होल किया है और एग्जैक्टली इसमें होल हो ही नहीं पा रहा है, ये यहाँ से सब ब्लॉक्ड है। अब कैसे होल करोगे, होल की जगह ही नहीं है, ये देखो। तो अभी स्ट्रॉ तो खैर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसको निकालने का तरीका ग्लास को लगाया जाए ऐसे और उसको ऐसे करके पलटा दिया जाए, बट क्योंकि इसमें होल हुआ ही नहीं है तो ये निकलने में प्रॉब्लम करेगा। इधर से भी बहुत ही टाइट है तो इधर से भी होल नहीं हो सकता। आई रियली डोंट नो कि इनके नारियल ख़राब हैं कि इन्होंने होल करने की जगह जो दी है वो गलत दी है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली इसमें, पर ये होल नहीं हो रहा है और मेरा 35 रुपये वेस्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो गाइस नारियल पानी पीते हुए ये अभी इतना सा नारियल पानी निकला है, अराउंड 1 ग्लास निकला है इस नारियल में से। अभी नारियल पानी पीते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग बताना कि आपको मेरा पैनकेक कैसा लगा। हाँ, इट्स अ बिट लार्जर, मुझे कमेंट मिला है कि ये थोड़ा सा बड़ा है। नॉर्मली पैनकेक्स छोटे छोटे होते हैं, और क्योंकि बैटर थोड़ा सा लाइट हो गया था तो वो बहुत ही थिक सा नहीं है, थोड़ा सा पतला सा है, फ्लफी तो हो गया था वो, बट थोड़ा सा और थिक होना चाहिए था, अगर बैटर अच्छा होता तो थिक हो जाता। और ये नारियल पानी पीते हुए मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ, और अगर आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा तो लग ही रहा होगा, जब अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, कॉमेंट करके बताइए कि कैसा था ये पैनकेक, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने बच्चों को बना के खिलाइए। हो सकता है आपको मेरा वाला ज़्यादा अच्छा ना लगा हो तो आप लोग और रिफाइन कर लीजिएगा उसे। तो तब तक के लिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।